हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2022 के बाद आईपीएल 2023 की नीलामी हम सभी लोगों को 16 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और आईपीएल की नीलामी से पहले बीसीसीआई के द्वारा ट्रेड विंडो एक हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी गई थी। और इस ट्रेड विंडो में वैसे जितने भी प्लेयर्स शामिल थे उनके नाम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अब इस ट्रेड विंडो के एक हफ्ता कंप्लीट होने पर कुछ और बड़े प्लेयर्स के नाम हमें ट्रेड विंडो में शामिल होते हुए नजर आए हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रेड विंडो के पहले हफ्ते के कंप्लीट होने के बाद हमें जिन प्लेयर्स के नाम वापस से ट्रेड विंडो में शामिल होते हुए देखने को मिले, यानी कि जो नए प्लेयर्स ट्रेड विंडो में आ चुके हैं, उनके लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के अंकित राजपूत। दरअसल अंकित राजपूत हमें आईपीएल के लास्ट सीजन में काफी सारी टीमें स्विच करते हुए नजर आए हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में आने के बाद भी इनका परफॉर्मेंस हमें काफी एवरेज देखने को मिला था। और ऐसे में क्योंकि एलएससी की टीम वैसे भी इनको रिलीज करने ही वाली थी, तो उन्होंने इनको ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है। लेकिन अभी तक अंकित राजपूत को ट्रेड करने के लिए किसी भी आईपीएल टीम के साइड से कोई भी ऑफर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इनके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के एलेक्स हेल्स। दरअसल हेल्स को काफी ज्यादा उम्मीदों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी आईपीएल टीम में शामिल किया था, लेकिन एलेक्स हेल्स ने उस बार पूरे के पूरे आईपीएल को स्किप कर दिया था और इन्होंने एक भी मुकाबला केकेआर की साइड से नहीं खेला। केकेआर की टीम को इनकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले एरन फिंच, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को भी ट्राई किया था ओपनिंग डिपार्टमेंट पर, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन उनके लिए काम नहीं किया था। तो ऐसे में एलेक्स हेल्स को इस बार ये किसी भी हालत में अपनी टीम में रिटेन नहीं करने वाले, और इसी रीजन के चलते इन्होंने एलेक्स हेल्स को ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है। इनके बाद इस लिस्ट में आगे नाम निकल कर आता है चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिस जॉर्डन का। जॉर्डन को सीएसके की टीम ने आईपीएल 2022 की नीलामी में ही अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद इनका परफॉर्मेंस भी हमें काफी हद तक एवरेज देखने को मिला। और इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी क्रिस जॉर्डन पिछले काफी टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता T20 फॉर्मेट में। तो इन्हीं रीजंस की वजह से सीएसके ने अब क्रिस जॉर्डन को भी ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आते हैं कार्तिक त्यागी, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे, लेकिन एसआरएस की टीम में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक ऐसे बॉलर्स होने के बाद इनको कभी भी बॉलिंग करने का ज्यादा चांस नहीं दिया गया था। और ऐसे में करेंटली ट्रेड विंडो में आने के बाद राजस्थान रॉयल्स, उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमें इनको ट्रेड विंडो में टारगेट कर रही हैं। तो गाइस, वीडियो ही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।